हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का जो वीडियो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूँ। काम की चीज ये कि सर, हमने स्टेटो सीख रखा है, ईटैब सीख रखा है, तरह तरह के स्ट्रक्चर्स के सॉफ्टवेयर सीख रखे हैं, बट ड्राइंग सबमिट कैसे करना है ये नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए आपको आज बहुत ही डीप में दिखाता हूँ कि देखो इस तरीके से प्रोजेक्ट हम लोगों ने किए हुए हैं। कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट ही है, तो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट को आप देखो कि ये प्रैक्टिस प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट करके किसी क्लाइंट को सबमिट करना होता है। क्यों? क्योंकि हमने सीख लिया है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप प्रॉपर कंप्लीट प्रोजेक्ट तैयार करोगे। पहले बता दूं, ये G+4 तक के लिए है। अगर आपको इससे हाई राइज बिल्डिंग के लिए भी चाहिए कि कौन कौन सी ड्रॉइंग सबमिट करनी पड़ती है, तो नीचे कमेंट करना टॉल स्ट्रक्चर। अगर आप टॉल स्ट्रक्चर करोगे तो मैं उसके लिए दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए चेक्स बढ़ जाते हैं, ड्रॉइंग्स बढ़ जाती है। ये है G+4 तक के स्ट्रक्चर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टेट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं पूरा सेट देने वाला हूं। सेट कैसे? ड्राइंग को कैसे सबमिट करते हैं, उसके साथ ड्राइंग का पीडीएफ बना के कैसे सबमिट करते हैं, उसके साथ स्ट्रक्चर की ड्राइंग को कैसे देते हैं, ये कंप्लीट इसमें आप लोग देखने वाले हैं। तो मैंने अपने जो मेरे स्टेट वाला कोर्स है उसी में से अभी निकाल के डाउनलोड कर लिया है, कुछ फाइल्स को सिंपल्स हैं सारे के सारे। सबसे पहले डिस्कस करता हूँ कि ड्राइंग को कैसे सबमिट करते हैं। स्ट्रक्चर की ड्राइंग तो छोड़ दो, नॉर्मल ड्राइंग जो हम लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पास करते हैं, उसके लिए एक प्रोजेक्ट मेरे सामने सैंपल पे था, तो मैंने कहा पहले उसको दिखाता हूँ। देखो ये है आपका कंप्लीट ड्राइंग्स कैसे बनाना पड़ता है। अब एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, तो थोड़ा वॉच करना। तो ये देखो आपके पास कंप्लीट सिंपल होता है, जिसमें हम लोग अपना पार्किंग एरिया वगैरह दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लानिंग है, और प्लानिंग के साथ ये कंप्लीट उसका सेक्शन है, सॉरी एलिवेशन है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन कट करके दिखा देते हैं। अब सेक्शन कैसे कट कर रहे हैं इसको मैं आपको दे दे रहा हूँ फाइल को, तो ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना कि भाई कैसे कैसे दिया है। इसके साथ आपको ये कंप्लीट यहाँ पर ये सब दिखाने के बाद यहाँ पर हमें दिखाना पड़ता है, अगर हम कुछ टैंक वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्शंस, और हमें एक साइट प्लान देना पड़ता है भाई कि कहाँ कहाँ पर लोकेशन का क्या है, कि एग्जैक्टली कौन से प्लेस पर रहेगा, ये दिखा के इसका रियर व्यू वगैरह, और यहाँ पर टेरेस प्लान। ये पूरी की पूरी अप्रूव ड्राइंग्स है। यहाँ पर सबको सबमिट करना पड़ता है कि भाई कितना कारपेट एरिया है, कितना बिल्टअप एरिया है इसके लिए, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप सब कुछ पढ़ लेना। इधर कंप्लीट प्लॉट एरिया क्या था, उस प्लॉट एरिया में हम लोगों ने टोटल एरिया क्या था, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस हुआ है। तो ये होता है कंप्लीट सैंपल ऑफ आर्किटेक्चर ड्राइंग्स कैसे हमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पास कराना है। होप समझ में आया होगा। इसको डाउनलोड करके जूम करके आराम से पढ़ना, इतना दे दोगे तो आपका ड्राइंग्स सबमिट हो गया। अब दूसरा आता है कि स्ट्रक्चर की ड्राइंग को कैसे देंगे। दूसरा क्या आता है कि स्ट्रक्चर की ड्राइंग को कैसे देंगे, तो उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर की ड्राइंग भी मेरे एक स्टूडेंट ने ही बनाया था, तो उसका सैंपल भी यहाँ से डाउनलोड कर लिया। स्ट्रक्चर की ड्राइंग इसमें अलग अलग दिखाएंगे, इसमें देखो ऐसे ऐसे ये है बीम की ड्राइंग, किसकी बन गई है, बीम की ड्राइंग से कंप्लीट यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ उसमें कि क्या क्या चीज कैसे कैसे हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर हमें उसका कवर वगैरह क्या प्रोवाइड किया है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसमें सेक्शन दिखा दिया कि भाई कैसे कैसे सेक्शन रहेगा और बार कैसे रहेगा। ये किसकी ड्राइंग हो गई, हमारी बीम की ड्राइंग हो गई। हमने बोला था सबसे इम्पोर्टेंट होता है फुटिंग, तो यहाँ देखो फुटिंग की ड्राइंग्स हो गई प्रॉपर। ये फुटिंग की ड्राइंग के बाद ये फुटिंग का सब कुछ है, और ये फुटिंग की ड्राइंग को कैसे सबमिट करना है, ये सब परेशान मत होना है। स्टेट प्रो वालों को तो मिल चुका है, बाकी लोगों को मैं पूरा का पूरा सेट सैंपल ड्राइंग्स नाम से दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपके पास स्टेयर केस है, तो स्टेयर केस को आप यहाँ पर प्रॉपर दिखा सकते हो कैसे कैसे स्टेयर केस है, कैसे ये सब ड्रॉइंग्स RCEC से निकली हुई है ना। तो ये आपको देखो यहाँ पर कैसे इसका रिजल्ट है, और ये सबमिट करना है, और यहाँ पर सारी गाइडलाइंस लिखी हुई है कि भाई ये MM में है, इसमें कितना कवर यूज किया है, कौन बनाया, कैसे बनाया, सब कुछ। इसके साथ यहाँ पर देखो आपके पास कॉलम की ड्रॉइंग्स है, कॉलम का फुल डिटेल्स है कि भाई कॉलम कैसे कैसे बना, उसका सेक्शन कैसे दिखेगा, कहाँ ओरिएंटेशन कैसा है उसका, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस इसकी गाइडेंस।
इस बच्चे ने बहुत अच्छा बनाया है, तो ये मेरा ही स्टूडेंट है, तो उसने बहुत अच्छा, आमिर उसका नाम है, तो उसने बहुत अच्छे से सबमिट किया हुआ है। हमारे हर एक स्टूडेंट ड्राइंग को सबमिट करते हैं लाइन वाइज। तो ये देखो आपके पास सारा ड्राइंग्स आ गया, किस तरह से बनाना है। यहाँ पर देखो स्लैब की ड्राइंग आ गई, और स्लैब की ड्राइंग के बाद यहाँ पर स्टेयरकेस की ड्राइंग आ गई, फुटिंग की ड्राइंग्स आ गई, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कॉलम की ड्राइंग्स आ गई। तो ये फाइल भी मैं आपको सबमिट कर दूंगा, इस फाइल को भी आप देख लीजिएगा प्रॉपर सही तरीके से। चलिए, पहला क्या हमने आपको बताया कि कैसे पास कराना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, दूसरा मैंने आपको क्या बताया स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स को कैसे डिटेलिंग करनी है, ठीक है। अब इसको अगर तुम चाहो चाहोगे तो ये भी हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे करना है, बट इट्स गोइंग टू टेक टू मच टाइम, तो बेटर होगा आप एक बार सीखो, जो न समझ में आए वो कमेंट करो तो वो हम बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये दोनों हो गया। अब तीसरा होता है कि फाइनल पीडीएफ सबमिट करना पड़ता है कि कैसे हमें स्ट्रक्चर की ड्रॉइंग्स को, क्योंकि साइट पर जो बंदा है साइट इंजीनियर है तो कैसे समझ सके कैसे पढ़ सके, तो एक पीडीएफ सबमिट करना पड़ता है। तो पीडीएफ कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा कंप्लीट पैकेज है, इसको समझते हैं। स्ट्रक्चर की ड्राइंग प्रोजेक्ट है, आपको कैसे करना है तो ये भी आपके सामने है, पूरा का पूरा कैसे बनाना है ये भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पर जनरल नोट्स है, कैसे कैसे भाई सबमिट करना है, कौन कौन सी ड्राइंग सबमिट करनी है, पूरा लिस्ट है आपका, कॉलम करना है, फुटिंग करना है, कॉलम का डिटेल करना है, प्लिंथ करना है, फर्स्ट फ्लोर की बीम्स, ये पूरा का लिस्ट है, कितनी ड्राइंग हमें प्रॉपर सबमिट करनी है, ऐसे हमको देखना पड़ेगा ड्राइंग से। उसके बाद उनकी डिटेल्स, उनकी जनरल नोट्स वगैरह, फाउंडेशन की डिटेल, और उसके बाद उसके लोडिंग्स क्या क्या आ रहे हैं, कंक्रीट है क्या, सीसी है, कैसा स्ट्रक्चर है, रेनफोर्समेंट के बारे में ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो भी फॉर्मर्स वगैरह को। उसके बाद फुटिंग की ड्राॅइंग्स, कॉलम की ड्राॅइंग्स, और उसके बाद ये आपका ड्राॅइंग्स है, यहाँ पर आपकी सबका डिटेल्स रहेगा, टैंक वगैरह का, फिर कॉलम का ये देखो सेक्शन वगैरह ड्रॉ करना, इस पर एक डीप वीडियो ऑलरेडी आया हुआ है, प्लस ये पीडीएफ कैसे सबमिट करना है उस पर भी एक वीडियो है, ठीक है। तो पीडीएफ कैसे सबमिट करना है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ टू क्रिएट फाइनल स्ट्रक्चर ड्राइंग्स सीट, तो ये सीट वही है जो आपके सामने है, तो सीट को आप देख सकते हो, यहाँ से क्लिक करना, देख लेना भाई, इसमें कंप्लीट समझाया भी है मैंने कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर हुआ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। दूसरे वाले जो ड्राइंग कुछ एडवर्टाइजमेंट चल गया, तो कुल मिलाकर इस पर यहाँ पर मैंने दे रखा है कि भाई सीट कैसे बनानी है, और सीट को मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कैसे कैसे हमको सीट को देना होता है, देखो ड्रिंक बना के हमने दिखाया हुआ है, और इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया है कि यहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन सी ड्राइंग्स हमें देनी पड़ती है। तो आपको अगर पूरा का पूरा समझना है तो हाउ टू क्रिएट फाइनल स्ट्रक्चर ड्राइंग्स इसको वॉच कर लो, प्लस ये पीडीएफ बनाना सीख लो आप, बताया इसी में मैंने, प्लस आर्किटेक्चर ड्राइंग्स कैसे बनाएंगे ये आपके सामने है इसको देख लो, प्लस स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स कैसे बनाएंगे ये आपके सामने है इसको देख लो, और इन्हीं ड्राइंग्स को सबमिट करके ये फाइनल प्रोजेक्ट बन जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें से कुछ इसके अंदर से आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से पूछो कि सर ये चीजें कैसे होती है, ये कैसे होती है, तब अच्छा लगेगा कि आपने डीप में जाके किया है। चलिए, तो होप आपको मजा आया होगा और समझ में आया होगा, आया तो अच्छी बात है, कमेंट करके काम को अप्रिशिएट करोगे तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से हम और डीप में जा सकेंगे इसके। चलिए, थैंक यू सो मच। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ड्राइंग सबमिट करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस तरीके के ड्राइंग्स हमारे पास रहे तो हम देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, तो उसके लिए आप यूनिक सिविल ऐप पे जाओ, वहां पर जो फ्री स्टडी मटेरियल है, आप फोल्डर में जहां आपकी फोटो आती होगी तो उस पे जाओ, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल पे जाओ, वहां पर मैंने डाल दिया है सिंपल ड्राइंग्स ऐसा फोल्डर है, जस्ट उसके अंदर जाओ डाउनलोड कर लो, आप इजिली आपको मिल जाएगा ड्राइंग्स, और उनको देख के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखो ये मैंने जल्दी जल्दी में बताया क्योंकि ऑफकोर्स इस पे एक घंटे का लेक्चर हो सकता था, बट यूट्यूब पे वीडियो शॉर्ट में बनानी पड़ती है जो मैंने बनाया। इन सब को देख के आपको मैं यही बोलूंगा कम से कम 7 से 8 ड्राइंग्स को बनाओ, और बना के उनको प्रैक्टिस करो, तब आपको कॉन्फिडेंस अच्छे से आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 ड्राइंग्स करने से कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 100 ड्राइंग्स तक तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप सही है क्या, बट 7-8 के बाद आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कई बार करते 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 अब लगता है नहीं यार अभी सही जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।